शादी का सीजन चल रहा है और भाई लोगों ने मिलके प्लान किया, कजिन लोगों ने, चिकन बनाएंगे। भाई चिकन का मेरा कुछ समझ नहीं आता, पर फिर देखा काला मसाला बनाने वाले, तो चलो क्यों ना। बहुत लोगों ने बनाया रहेगा वीडियो, पर हम लोग बंगाली लोग हैं और हम लोग महाराष्ट्र डिश बनाने में भी मतलब हमें आता है। तो आज मेरा भाई जिसकी शादी और हमारे बाबू भैया काले मसाला चिकन बनाएंगे, तो ये रेसिपी का एक वीडियो बनाएंगे और सब एंजॉय करेंगे। तो ये वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू नासिक सा बाबू मोशाय चैनल। अरे क्या कराए थे तुम्हें ये आपन को भी मालूम नहीं है ठीक से क्या कुछ देख रहा है कांदा उंदा ये आज के काला मसला तैरी है एक मसला जी चिकन काला मसला महाराष्ट्र स्टाइल। सबसे पहले चिकन की है भीतरे दही। चिकन में दही, हरी मिर्च, कांदा, कांदा लहसुन मसाला, लाल मिर्ची, जीरा मसाला मतलब पाउडर, नमक, ये सबसे, अभी धनिया, अभी धनिया का पाउडर, ये सबसे मैरिनेट किया है। और यहाँ पे हमारे बाबू भाई ये प्याज पुड़ा रहे, जला रहे काला मसाला बनाने के लिए, क्योंकि काला मसाला बनाने के लिए खोबरा और प्याज पहले जलाना पड़ता है, फिर आगे। हाँ खोबरा हो गया, खोबरा हो गया है, तो मैं आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैरिनेशन हो गया है और यहाँ पे काला मसाले के लिए ये तैयारी शुरू हो गई, तो बने रहिए वीडियो में। अभी खोबरे को बारीक काटा जा रहा है, मिक्सर में इसको पीसेंगे ना। हाँ। खलबत्ते में वो की बोले पाटा, उसमें भी कर सकते थे, बट अभी टाइम कम होने की वजह से हम लोग है ना फास्ट प्रोसेस में जा रहे हैं, क्योंकि शाम को प्रोग्राम भी है, जिस कारण कैसे बड़े लोगों का इधर खाना चालू है, बंगाली खाना है, इधर मच्छी सूरन के साथ चिकन, मच्छी वाला दाल, इधर वो मोचा बोलते जो केले का, वो जो रेड कलर का जो बड़ा एक होता है, वो कल हमने ऐसे चुरा के लाया और बनाया, तो वेज था। खैर वो तो हमारे बंगाली लोगों के लिए है, हम बॉयज लोग आज काला मसाला खाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे ये जो दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी के बाबू मोशाय, इनको खाने का इनका ऐसा मतलब रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा काला मसाला में बना जाए, कल रात को जमा नहीं, तो आज तुम्हें की खाबा वही जय दादर का से बोशो हैं। तो अभी फरमाइश के ऊपर हम बनाएंगे काला मसाला चिकन चिकन चिकन। ये हमारे राजा भैया लिया बोशो नीचे। अरे तो कासे आशीष ने, तो ये है हमारा काला मसाला। तो काला मसाला का ये जो पेस्ट है, कांदा, खोबरा, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, कोथंबीर, हाँ इन सब का पेस्ट बना गया है, और इसके साथ काला मसाला पाउडर वाला भी आएगा, जो प्रोसीजर हम जब बनाएंगे तब दिखाएंगे। तो ये है हमारा काला मसाला। तेल ता दिए देवो, अभी हम तेल दे देंगे कढ़ाई में। इसमें जीरा, जीरा डाल दिया है, गोटा पोरे देने तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर और जीरा। और अभी जाएगा काला मसाला, काला मसाला द मेन इंग्रेडिएंट। बाबा की खुशबू, क्या खुशबू आ रही है भाई, डबल वॉइस आएगा, डबल वीडियो चल रहा है। एक हमारे सिलीगुड़ी के बाबू मोशाय इंग्रेडिएंट एक साथ डाल रहे, जिसकी वजह से दोनों एक साथ बात होगी, तो थोड़ा ये जो खुशबू है ना, मतलब क्या ही बोले। बाबा एटो एटो नहीं है ना बाबरा, एटो डाले दे जल्दी, गोटा मसाला जरा खूब भी टेस्टी है, बड़ी टेस्टी लगता है। चेहरा तो देखो, चेहरा का रूप देखो एक बार, मसाला डाल, जीरा, लाल मिर्च पाउडर तेल में गरम, और उसके बाद आया हमारा काला मसाला। हम बचा कुछ अभी वेस्ट नहीं करेंगे, सुंदर सा एकदम मसाला यहाँ पे फ्राई हो रहा है, देखिए। तो बाबू क्या लग जाए, कैसा लग रहा है बनने के बाद ही समझेगा अभी कैसा लग रहा है। नहीं तुम्हें कैसे फील हो रहा है, ऊपर एकदम बारिश जैसा माहौल, मतलब क्लाउडी, इधर नीचे मस्त चूल्हा, पूरी फैमिली इधर खाना खा रही है, मौसम तो बहुत अच्छा है, खाना बनाने में भी मजा आ रहा है। सुबह क्रिकेट खेल के आए हैं, तो अलग ही एंजॉयमेंट चालू है आज, बहुत ही मजा है बहुत। थोड़ा सा नमक, एक तो नमक, थोड़ा नमक जाएगा ताकि वो जल्दी सिद्ध हो, माने बॉइल हो, माने
मसालाटा जल्दी पक जाएगा। अब ये जाएगा काला मसाला, पाउडर्ड काला मसाला, घरगुती मसाला है, हमने घर पे बनाया, मेरी मम्मी बनाती है, आता है उनको, महाराष्ट्र में रहे भाई, ये भी सीख ले आए हमने। तो ये है घरगुती काला मसाला, क्वांटिटी अपने हिसाब से डालना, वो मैं नहीं बताऊंगा। क्या खुशबू आ रहा है भाई, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रहा है, क्या बोले, हमको तो भाई अभी से भूख लगने लगा है। अभी जाएगा हमारा मैरिनेटेड चिकन, जल दिए थे, जल डाले रहे थे चिकन टेक, हम आधा घंटा मतलब मैरिनेट करते जा रहा है हम लोगों का चिकन। अभी मैरिनेट किया हुआ चिकन आधे घंटे पहले हमने मैरिनेट किया था, तो इस मसाले में अब इसको कोशाएंगे, माने फ्राई करेंगे, हिंदी में फ्राई, बांग्ला में कोशाएंगे, तो ये मसाले वेस्ट नहीं होने देंगे हम। না এটা সব জায়গাতেই করে যে সেই পাত্রটাকে ধুয়ে যে মশলাটা থাকে সেই জলটা না দিলে নাকি টেস্ট আসে, গোল্ডেন মশলা বলতে ইসকো আর রেসপেক্ট টেস্ট বহুত আচ্ছা আতা হে, এটাই আসল মানে টেস্ট আনে আর কি, এনহ্যান্স করে টেস্ট আই খুব ভালো। এ আমারে শাম 4397786 5, নেই পাতা নেই আলাগ সা নাম্বার থা ভুল গয়া, আমারে বাইকার শাম জিনকা খুদকা এক চ্যানেল হে, ফিলহাল বিজি হে লাইফ মে, তো কে কেমন কেসা লাগ রহা হে শাম ভাই? काला मसाला अपना टिपिकल, हमारे श्याम भाई भी खाना वाना बना लेते हैं मस्त अच्छा खासा, और खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं मैंने सुना है, तो आज हमारे बाबू भाई और भाई के हाथ का काला मसाला चिकन खा के रिव्यू देंगे। ये भाकर के साथ अच्छा जाएगा या रोटी के साथ? भाकर के साथ अच्छा जाएगा, टिपिकल महाराष्ट्र भाकर के साथ ही मजा आता है, होना चाहिए और भाकरी होनी चाहिए, बस बस कांदे के साथ। अब ढक देंगे इसे और कोशाने देंगे, मेरे इसको फ्राई होने देंगे, तब तक आप सिलीगुड़ी के बाबू मोशाय का उत्साह देख लो काला मसाला खाने के लिए, भाई का ही रिक्वेस्ट था, तो चलो बने रहो वीडियो में। देख लो तेल छोड़ दिया है मसाले ने और सुंदर सा एक टेक्सचर, हाँ 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 हाँ, एक थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा हुआ, लवण मिर्च बताओ, बोलो ना हिंदी में बोलो, नमक और तीखा तीखा, अच्छा हुआ फर्स्ट टाइम खाया गया काला मसाला, ग्रेवी खा के देखना फिर हमको रिव्यू देना। चलो हमारे शालू मैडम ने टेस्ट करके दिखाया है, ये फ्राई हो गया है लगभग, अभी अभी हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी इसका काला मसाले का रस्ता बने। तो এখন আমরা জল দিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ বয়ল করার পরে, এবার এটাকে আমরা একটু গ্রেভি করার জন্য ছেড়ে দেব আগে, দেখি গলে যাবে রস্তা, अभी देखिए रस्ता, इसमें जैसे ही ये रस्सा बन जाएगा एकदम अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इस ऊपर से कोथिंबीर डाल देने का और फिर मज़ेदार भाकर के साथ चलने देने का, तो हम और पानी ऐड करेंगे ताकि लोग ज़्यादा है। ओ कितना टाइम बाकी और? और 5 मिनट बॉईल जैसे हो रहा है भाई, रहने जा रहा लोगों से, तो जल्दी जल्दी बनाओ जरा बाबू भैया, कारण टेस्ट टेस्ट बहुत अच्छा, 5 मिनट में हो जाएगा, बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं मामा जी के हाथ का, तो फाइनली हो गया, अभी इसको उतार के रख देंगे। नमक मिर्ची कैसा हुआ? नमक मिर्ची सब सही है, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, इतनी भूख लग गई है अभी, बस एक प्रॉब्लम हो गई है, भाकर अगर नहीं मिला तो रोटी के साथ ही खाना पड़ेगा, क्योंकि पार्सल पॉइंट वाले दे नहीं रहे और हमारे पास टाइम नहीं है बनाने का, तो होप मिल जाए वरना रोटी, और रोटी भी नहीं देंगे तो चुपचाप भात के साथ खा लेंगे, तो वेट करते थोड़ी देर इसका और मिलते हैं खाना खाते वक्त। अमन लग कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं काला चिकन, काला मसाला चिकन, काला मसाला चिकन, एकदम मुंह में एकदम दरकता वरकता नहीं, पूरा हिल रहा है एकदम, तीखा बहुत हो गया क्या? नहीं नहीं ठीक है, बहुत बड़ा टेस्टी है, हमारे बाबू भैया ने बनाया है, नहीं बाबू मुन्ना भैया और बाबू भैया दोनों ने मिलकर बनाया है, बाबू भैया से पूछिए, मुन्ना भैया से पूछिए, अभी हमारा खाना बाकी है, अभी अभी आया नहीं ना हम लोगों का चीज, बाकी है, अभी आएगा तो और भी टेस्ट आ जाएगा। की बोलिस बाबूराव,
हम बाबू तो भात के साथ शुरू हो गए हमारे श्याम बाबू। श्याम बाबू बताइए कैसा लग रहा है टेस्ट, आपने शुरू कर दिया आज? ये पहले तो वेजिटेरियन खाना भी था, बाद में काला मसाले का चिकन बनाया पूरा एक ट्रेडिशनल तरीके का। उसमें उसका स्वाद है कुछ अलग, मतलब एक ट्रेडिशनल स्वाद है। टेस्ट बहुत पसंद आया मुझे, खाने के लिए बहुत, मतलब खाने का भी ये तो बहुत अच्छा लाजवाब लग रहा है मुझे। तो इसके साथ आपने सलाद वगैरह क्या है ये सब थोड़ा बताएंगे कैसे? अपना प्याज है और टमाटर और बस अपना नींबू है, जबरदस्त थोड़ा सा बड़े साइज का नींबू है। ये हमारा गोंदोराज है, कोलकाता का गोंदोराज। ये लेबू अपने महाराष्ट्र लेबू नहीं है नींबू, तो हमारे घर में इसका पेड़ है गोंदोराज करके, जो स्टोन में सुना है मैंने, स्टोन में बहुत काम आता है। चलो अभी वो जाने दो, चिकन पे ही ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं। चिकन कैसा, नरम सॉफ्ट कैसा, जूसी? टेंडर और जूसी है थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है। अंदर तक उसमें गया है, अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है, बहुत फास्ट बनाया गया है बट सक्सेसफुल हुआ। चलो ठीक, ये है पद्धत खाने का। चूरा, चूरा करके रस्सा डाल के मस्त नींबू निचोड़ के चिकन का पीस। तो भाऊ बताओ, टेस्ट बहुत बढ़िया हुआ है। जो टिपिकल काला मसाला बोलते हैं वैसे ही बना है, थोड़ा तेज हुआ है लेकिन खा सकते हैं। पसीना देख के समझ रहा है बहुत तेज हुआ है, पर चलो अच्छा है। और भी हमारे न्यू लोगों का रिव्यू लेंगे, भाई को अभी तक प्लेट बनाया नहीं है तो बहुत नाराज है वो, तो आएंगे उस पर भी। हो राजा मशाए बताओ, अभी फाइनली तुम्हारी प्लेट बन गया है और चिकन का रस्सा और भाकर आ गया है, तो खा के बताओ। तो चलो खा के दिखाते हैं। गंदराज बढ़िया बढ़िया, भाकर ऐसा चूर के वो रस्सा रस्सा वैसा क्यों नहीं खा रहे हो? झोल बेची लो ना, हम लोग ऐसे ही खाते हैं वैसे, मतलब अगर जैसे आटे रहता है गीला वाला वैसे हो जाता तो उतना अच्छा नहीं लगता हमको देखने। अच्छा ठीक ठीक है, अपने अपने स्टाइल से खाओ, पर इसका खाने का तरीका भाकर चूर के रस्सा रस्सा खाने में। चलो कोई नहीं, टेस्ट करो, मैं बाकियों के पास जाता हूँ। ओ विप्र भैया कैसा लग रहा महाराष्ट्र पैटर्न? लाजवाब लाजवाब टेस्ट। और तुम सही तरीके से खा रहे हो, इसमें ही मतलब टेस्ट आएगा। मैंने वीडियो देखा है, काला मसाला ऐसे खाया जाता है, वो वीडियो को फॉलो करके मैं खा रहा हूं। जबरदस्त, हमारे साथ बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ घूमो थोड़ा, कुछ जगह लेके जाऊंगा, महाराष्ट्र खाना स्टाइल सीख जाओगे। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ पिछले 4-5 दिनों से विप्रो भैया है, महाराष्ट्र खाना एंजॉय कर रहे। चलो कैसा लगा फिर हमारे चिकन? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बाबू दा, इतना अच्छा काला चिकन खिलाने के लिए, काला मसाला चिकन। ये धोखेबाज भाई ने भाकर लाया, भाकर नहीं लिया, चिकन बनाया चिकन नहीं लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अरे भाकर लिया है देखो भाई, भाई चिकन के साथ खाना चाहिए तो दाल के साथ खा रहे, तुम्हें चिकन क्या नाम है उन्हें? अच्छा तो चलो हो जाने दो, इन लोगों का खाना हो जाएगा। हम लोग अभी यहाँ पे वीडियो अभी क्लोजिंग पे आएंगे क्योंकि मेरा खाना हो चुका है, सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी घर पे चिकन बना के खाओ और टेस्ट करके देखो। तो इस तरह था ये हमारा रेसिपी, बनाना खाना साथ सबने खाया, टेस्ट किया, मज़ेदार लगा सबको। मसाले की खुशबू से मैं बता सकता हूँ बहुत अच्छा बना रहेगा, और बना भी, लोग मज़े से खा भी रहे और ख़त्म भी हो गया। यंग जो बच्चे थे इन्होंने, छोटे छोटे बच्चे, तीखा लगा पर स्टिल उन्होंने पेट भर के खाया, मज़ा आया और सक्सेसफुल हुआ। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोग भी बनाइए, खा के देखिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगता है काला मसाला चिकन। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।